नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है जानकी फैजल और 15 मिनटों की शोहरत। जी हां, उस वक्त मैं लेह एयरपोर्ट पे था और आना चाहता था दिल्ली और मुंबई। कुछ काम से गया था मैं लेह और जब मैंने वहां की 11 बजे की सुबह फ्लाइट बुक की, मेरा अंदाजा ये था कि मैं 12 बजे दिल्ली पहुंचूंगा, फिर उधर कुछ काम करके शाम को मुंबई वापस। लेकिन जब मैं 9 बजे लेह एयरपोर्ट पहुंचा, वैसे मुझको ये समाचार मिला कि दिल्ली से आने वाली फ्लाइट तो आ चुकी है लेकिन तांत्रिक खराबी के कारण वो अब 1 बजे प्रस्थान करेगी। देखिए, सुबह की फ्लाइट तो हमने छोड़ दी थी क्योंकि हमको सोना था आराम से, तो ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। मैंने सब पैसेंजर्स के चेहरे पढ़ना शुरू किया। 3-4 बातें रहती है जब कोई भी उड़ान देरी से जाती है तो। कनेक्टिंग फ्लाइट्स का क्या, वहाँ पे जो हमको रिसीव करने वाले आने वाले हैं उनका क्या, और गंतव्य स्थान के अपॉइंटमेंट्स उनका क्या होगा, ये और ऐसी सब चिंताओं से परेशान वहाँ के पैसेंजर्स। लेकिन मेरा ध्यान आकर्षित किया 2 छोटे पैसेंजर्स ने, एक का नाम था जानकी और एक का नाम था फैजल। दोनों के माता पिता उनके साथ थे और पता चला कि वो जा रहे हैं दिल्ली किसी टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लेने। देखिए, टीआरपी की होड़ जिस तरह से बढ़ रही है तो चैनल्स को नए नए आइडिया ढूंढने पड़ते हैं, और इस चैनल ने सोचा कि स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर एक एपिसोड किया जाए, और उन्होंने इन दोनों को इन्वाइट किया था। स्पेशल चिल्ड्रन यानी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं। अगर मुझको पूछो तो जो माँ बाप इनकी अच्छी देखभाल करते हैं उनको मेरा हमेशा से सैल्यूट रहा है। मेरा अपना मानना है कि यह ऐसे बच्चे भगवान इसलिए भेजता है कि हम अपनी जगह पे रहे, कि जो भी हमारे हिस्से में जो भी दुख आते हैं, जो भी पीड़ाएँ आती है, उनको हम हंसते हंसते झेल लें, क्योंकि असली पीड़ा तो कुछ और होती है। मेरा परिचय इन बच्चों से कुछ फिल्मों के जरिए, कुछ नाटकों के जरिए और जिंदगी के कुछ हमारे सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के जरिए था। दोनों जिद कर रहे थे, हमको चॉकलेट चाहिए, हमको जूस चाहिए, और उनके माँ बाप उनका सब प्रोवाइड कर रहे थे। जब बाकी पैसेंजरों को ये पता चला कि वो रियलिटी शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो वो अपनी अपनी कथाएं बयान करने लगे। किसी एक को अपनी गरीबी की कथा बताने पे मजबूर किया गया, एकदम रोने धोने वाली कथा। किसी दूसरे बच्चे को तो अपने पिताजी का एक्सीडेंट, उसको उसका वर्णन करने के लिए कहा गया, और वो कहते कहते बेचारा रो पड़ा। और तीसरी समस्या ये है कि एक एक का एलिमिनेशन, ये बहुत बुरा असर करता है बच्चों पे। तो सब लोग कह रहे थे कि भैया ऐसे बच्चों को अगर वो एलिमिनेट करते जाएंगे क्या असर होगा, किस तरह के ये प्रोग्राम करना चाहते हैं टीवी वाले। जानकी और फैजल के माँ बाप ये सब बातें सुन रहे थे। वहां का ड्यूटी ऑफिसर था सुखवंत सिंह, वो बड़ा सेंसिटिव आदमी था। उसने देखा कि इन लोगों को चैन से बैठने कोई देगा नहीं, सब लोग बातें तो अपनी करते रहेंगे, तो उसने उनका अरेंजमेंट कर दिया किसी गेस्ट हाउस में, उनकी एयरलाइंस के गेस्ट हाउस पे, और उनके लिए उन्होंने गाड़ी भी अरेंज कर दी। मैं अकेला था जो थोड़ा उनके साइड पे था। मैंने कहा मुझको तो कोई गलत दिखता नहीं, अगर बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, तो हमें और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। गाड़ी उन्हें लेके चली गई। जैसे गाड़ी चली गई, कुछ ही समय बाद सुखवंत जी ने कहा कि उनको वापस लाया जाए, यानी हम समझ गए कि फ्लाइट तैयार है। करीबन 1:30 या 2 बजे का डिपार्चर टाइम अनाउंस हुआ और वो आ भी गए। पहले तो विमान में उनको ही जाना था, वो ऊपर तो चले गए, लेकिन कुछ ही समय में मैं ये देख रहा हूँ कि जानकी की माँ बड़ी जल्दी में सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रही है, शायद कुछ उसका सामान रहा होगा। पैसेंजर्स में एक था फिलोसोफर दास बाबू,
जिंदगी में देरी अनिवार्य है, अपरिहार्य है, ये उनका फिलॉसफी का एक वाक्य था और वो हमेशा ये सुना देते, डिलेज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। जानकी के माँ ने शायद गलती से कहा होगा कि डिलेज तो जिंदगी का हिस्सा है, तो उन्होंने उनको उस समय भी करेक्ट किया, डिलेज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, अनिवार्य अपरिहार्य हिस्सा है। जानकी की माँ बेचारी क्या करती, उसने दास बाबू को और बाकी सबको भी कहा कि मैं सुन रही हूँ, मैं खुद टीचर हूँ और आपने जो हमको रास्ते बताए, अपने अनुभव बताए, तो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कुछ हमारी भी सोचो, इन बच्चों को कुछ वक्त के लिए ही सही कोई साथी मिल जाएंगे, हमें बच्चों के माँ बाप बाकी सारे जब मिलेंगे वो मुलाकात होगी और फिर थोड़ा सा टीवी पे जो शोहरत मिलेगी, 15 मिनटों की शोहरत, वो हर एक के नसीब में होती है। जानकी और फैजल ने क्या पाप किया है, इतना तगड़ा डिफेंस सुन के लोग थोड़ा हट गए। फैजल ने तो डिक्लेयर ही किया था, देखो मैं टीवी पे चमकने वाला हूँ, डेट का इंतज़ार कीजिए, तो वो तो पूरा उसमें खो गया था। जानकी भी वैसे ही थी। यहाँ मैं सोच रहा था कि जानकी की माँ किस लिए उतरी, और मैंने वो दरवाजे पे पूछा कि क्या कोई विंडो सीट खाली है, मैं तो परेशान था, सेंटर सीट में था, तो उसने कहा कि हाँ 3 सीट्स खाली हुए हैं, कैंसिल हुआ है, तो आप बोर्डिंग पास नहीं आपको देंगे, 18A पे जाके बैठ सकते हो। दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद मैंने फैजल के माँ बाप से पूछा, कैंसिल क्यों किया जानकी ने टिकट? मैंने कहा नहीं कैंसिल तो किया, लेकिन वो ट्रिप कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हुआ है। उनको टीवी प्रोड्यूसर से फ़ोन आया कि भाई आपके आज और कल आपका शूटिंग होने का कोई चांस नहीं, फैजल का हो जाएगा, तो आप दिल्ली में आना चाहते तो आइए, लेकिन अभी आपकी वैसे परसों आओगे तो भी चलेगा। तो ये सुन के उन्होंने सोचा कि फिर तो लेह में रहना ही अच्छा है, और वो चले गए। मेरे दिमाग में वो दो ही वाक्य गूंज रहे थे, 15 मिनटों की शोहरत और दूसरा डिलेज आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने उनको फॉलो किया अगले 2-3 महीनों तक, और मुझे ये पता चला कि शूटिंग बढ़िया रहा, जानकी और फैजल दोनों ने अपने रोल बड़ी बखूबी से निभाए, और वो प्रोड्यूसर भी सेंसिटिव था, उसने भी एलिमिनेशन का माहौल निकाल दिया, सब बच्चे एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर लास्ट तक एक साथ रहे, उनका एक ग्रुप सा, एक फैमिली सा बन गया, और वो सारी सुहानी यादें, थोड़ी सी शोहरत 15 मिनटों की जिसको हम कहते हैं, वो सब लेके ये बच्चे लेह वापस आए, यही उनकी पूंजी होगी जिसके सहारे उनके जिंदगी का आगे का सफ़र थोड़ा अच्छे रीत से कटेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये सोचने लगा कि जो बाकी के पैसेंजर्स जो सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि ये एकदम गलत बात कर रहे हो आप, वो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करके, अगर ये दोनों वाकई उनका एडवाइस लेकर नहीं जाते तो क्या ये पैसेंजर्स विलन नहीं होते? इतनी छोटी सी खुशी वो भी हम उनको लेने नहीं देंगे? एक ही खुशी थी कि मैं अकेला उस समय उन बच्चों के और उनके बच्चों के फैमिली के तरफ से कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स रख पाया, और मुझे आज तक उसका संतोष है। आपका क्या विचार है, मैंने जो किया वो सही किया ऐसा आपको लगता है?